चाहे इंसान हो या जानवर, जिंदगी सबको प्यारी होती है और जिंदा रहने के लिए सभी स्ट्रगल करते हैं, जिस तरह सेरेंगेटी में काली कर रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह लायनेस काली सेफू से अपनी जान बचा रही थी, पर सेफू के इरादे तो कुछ और ही थे। विलाज सेरेंगेटी के तीसरे एपिसोड में हम सब गवाही देने वाले हैं द ग्रेट माइग्रेशन का। इस वक्त शाकाहारी जानवरों के बड़े बड़े झुंड सेरेंगेटी में आते हैं और ऐसे में जब शिकार की कोई कमी नहीं होती है तो सेरेंगेटी में मौजूद शिकारी जानवरों के लिए ये पूरे साल का सबसे अच्छा वक्त होता है। साथ ही इस वीडियो में हम काली और बकारी दोनों के ही आगे की कहानी को जानने वाले हैं। आखिरकार कैसे गुजर रही है इनकी जिंदगी, जानेंगे इस वीडियो में। वेल, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 30 अप्रैल को वर्ल्ड वेटनरी डे है। इस अवसर पर एक वेटनरी स्टूडेंट होने के नाते मैं आप सभी के बीच एक एक्टिविटी करवाने जा रहा हूं। अगर आपके घर में कोई पेट है, चाहे वो डॉग, कैट या गाय भैंस कुछ भी हो, उसके साथ आप एक रील या फिर फोटो लेंगे और इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे, जिसमें आप मुझे टैग करेंगे। साथ ही मुझे फॉलो भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा वर्ल्ड वेटनरी डे। उसके बाद मैं रिजल्ट का अनाउंसमेंट 30 अप्रैल को करूँगा इंस्टाग्राम में लाइव आकर। मौसम बदल रहा है और अब द ग्रेट माइग्रेशन का वक्त आने वाला है। इस वक्त का इंतजार सभी मांसाहारी जानवरों को बेसब्री से होता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब सबको भरपूर खुराक मिलता है। इधर बकारी नाम के इस बबून की जिंदगी अब पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि चेका नाम की एक फीमेल बबून ने उसके प्यार सबेरा के बच्चों को अपना लिया है। अब ये तीनों ज्यादातर वक्त साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन अभी भी झुंड का गुस्से लीडर बकारी को बहुत ज्यादा परेशान करता है और ऐसे वक्त में हर बार बकारी सबसे पहले छोटे बच्चों को सेफ रखने की कोशिश करता है। आगे एक दिन की बात है, झुंड का मुखिया इन सबको एक मगरमच्छ के घर के पास ले जाता है। दरअसल बात यह है कि ये यहाँ मगरमच्छ के अंडों को चुराने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ मादा मगरमच्छ हमेशा अपने अंडों की रखवाली करते रहते हैं। ऐसे में बकारी को तो खतरे का अंदाजा था, लेकिन बाकियों को नहीं। आगे मुखिया बेफिक्र होकर नदी को पार कर लेता है, लेकिन बकारी को नदी पार नहीं करना था और वो उस पार जाने का दूसरा रास्ता ढूंढता है। इस बार गौर करने वाली बात यह थी कि उसके पीछे बल्कि उसके साथ तो पूरा का पूरा झुंड आ चुका था। बहुत जल्द ही बकारी एक पेड़ के जरिए सबको नदी पार करने लगता है, लेकिन जब चेका की बारी आती है तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके साथ छोटा बच्चा भी था। ऐसे में जब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करने लगती है तो वो सीधा नदी में गिर जाती है और यहाँ वो मगरमच्छ बहुत तेजी से उसके पास आने लगती है। एक समय तो मगरमच्छ उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है, लेकिन आखिर में चेका और उसके बच्चे दोनों ही बच जाते हैं। बकारी ये सब देख के काफी घबरा गया था, क्योंकि अब वो एक बार फिर से किसी करीबी को खोना नहीं चाहता था। बरसात का मौसम सबके लिए खुशहाली लेकर आता है और काली को भी उसी का इंतजार है। काली ने सेफू नाम के एक नर के साथ मिलकर एक नया प्राइड बना लिया था और इसकी वजह से इसके बच्चे भी अब सुरक्षित हो गए हैं। काली और बाकी जानवरों की जिंदगी में अभी वो पल चल रहा है जब खाने की भारी मात्रा में कमी है, लेकिन वक्त बदलने वाला है और यह मुश्किल घड़ी खत्म होने वाली है। हाथी भी बरसात के आने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में सेरेंगेटी एक हरी घास की चादर ओढ़ लेता है, जहां सभी शाकाहारी जानवर बड़े खुशी से अपना खाना खाते हैं और दूर दूर से कई तरह के जानवर यहाँ चरने के लिए आते हैं। यह जेबरा का झुंड भी वहीं जा रहा है, लेकिन अभी यह कुछ देर के लिए रुका हुआ है। इसकी वजह है इस झुंड की मुखिया शानी, जिसने अभी एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है, और अब जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो शानी और उसका झुंड फिर से आगे बढ़ जाते हैं। यह वाकई में कमाल की बात है कि जेबरा और ऐसे कई जानवरों के बच्चे पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लगते हैं। इधर काली और उसकी बहन को इन जानवरों का ही इंतजार था, जिससे वो अपनी भूख को अच्छे से मिटा सके। अब सेफू के आ जाने के बाद इन्हें बच्चों की देखभाल के लिए खुद नहीं रुकना पड़ता था और ये दोनों बच्चों को सेफू के पास छोड़कर खुद नदी के पास निकल गई। कुछ देर तक तो सेफू ने बच्चों को ज्यादा शरारत नहीं करने दिया, लेकिन कुछ देर के बाद वो सो गया और तब बच्चे खेलते खेलते सेफू से थोड़ा दूर चले गए। इधर दूसरी तरफ दोनों बहनें नदी के पास पहुंच गई है।
लेकिन इनके आने से हिप्पोस कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। ऐसे में जब काली नदी के दूसरी तरफ जा रही थी तो एक हिप्पो ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन काली ने किसी तरह से अपनी जान बचा ही ली। इसके बाद ये वाइल्डबीस्ट के आने का सुराग ढूंढने लगी, क्योंकि जितना जल्दी शिकार किया जाए उतना ही अच्छा है। इधर सेरेंगेटी के दूसरी तरफ बकारी मगरमच्छ के अंडों के पास आ गया, लेकिन वहां वो मादा मगरमच्छ इनकी देखभाल कर रही थी, इसलिए बकारी के लिए तो अंडे चुरा पाना लगभग नामुमकिन ही है। जबकि बात करें काली की, तो काली वहां आ गई है जहां से वाइल्डबीस्ट गुजरने वाले हैं। दरअसल ये जगह घात लगाने के लिए बढ़िया है, इसलिए काली यहां आई थी। पर इसके आने से मगरमच्छ वापस पानी में चली जाती है, जिससे बकारी और चेका को अंडे चुराने का एक मौका मिल जाता है। अब ऐसे में ये जल्दी जल्दी वहां जाके अंडे खाने लगते हैं, पर इतने में ही वो गुस्सेल मुखिया भी वहां पहुंच जाता है और इन्हें पीछे हटना ही पड़ता है। वैसे इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। दरअसल जब लालची मुखिया अंडे को खा रहा था, तब मगरमच्छ वापस आ गई और इस चीज़ के लिए किसी भी बबून ने उसे आगाह नहीं किया। इससे पता चलता है कि सारे बबून उससे नफरत करते हैं। हालांकि बाद में उस मुखिया ने अपनी जान बचा ली, पर फिर भी यहाँ बकारी को कुछ तो कॉन्फिडेंस मिला ही होगा। इस वक्त सेरेंगेटी में खाने की तलाश में एक वाइल्ड डॉग्स का झुंड भी आया है और इन सभी का लीडर है जसारी। कुछ ही देर के बाद जसारी अपने झुंड को लेकर एक जगह आ जाता है और ये वही जगह है जहाँ सेफो आराम से सो रहा था। फिर कुछ देर के बाद कुत्तों की नज़र छोटे बच्चों पर जाती है और जब ये उन सब की जान लेने ही वाले थे कि इतने में काली और उसकी बहन वापस आ जाती है और ये दोनों कुत्तों को भगाकर अपने बच्चों की जान बचा ही लेती है। फिर काली सेफो की खबर भी लेती है कि वो इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है और शायद आज के बाद वो ऐसी गलती नहीं करेगा। इधर सभी शाकाहारी जानवर तेजी से घास के इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके साथ ही शानी का परिवार भी था। छोटा बच्चा भी अपने परिवार के साथ साथ ही है, लेकिन तभी इस परिवार को रुकना पड़ता है क्योंकि इस परिवार के नर लीडर को एक दूसरे ज़ेब्रा ने चैलेंज कर दिया है। लेकिन काफी देर तक लड़ने के बाद आखिरकार शानी का ही नर जीतता है और परिवार चैन की सांस लेता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इधर दूसरी तरफ काली और उसकी बहन आने वाले वक्त के लिए अपनी ताकत बचा रहे हैं और केवल बच्चे ही हैं जो खूब उछल कूद मचा रहे हैं। कुछ देर बाद भूख के कारण उस लेपर्ड ने एक नेवले का शिकार किया, लेकिन यहाँ काली उसे देख लेती और लेपर्ड के पेड़ पर चढ़ जाने के बाद काली भी पेड़ पर चढ़ जाती है और उससे उसका शिकार छीन लेती है। इसकी वजह से इस बार इस बेचारे लेपर्ड को भूखा ही रहना होगा। वैसे काली को ज्यादा समय तक ऐसे छोटे मोटे शिकार के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिकारी जानवरों का झुंड यहाँ पहुंच चुका है और शानी का परिवार भी यहाँ आ गया है। लेकिन अभी तो इन्हें इस पड़ाव के सबसे आखिर और सबसे मुश्किल टेस्ट को देना बाकी है। इन्हें अभी उस नदी को पार करना है जिसमें मगरमच्छ भी रहते हैं। बबून्स इन सब अफरा तफरी से खुद को दूर रखते हैं, क्योंकि ये इनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। चेका के आ जाने के बाद बच्चे और बकारी दोनों की जिंदगी काफी हद तक आसान हुई है, लेकिन आगे बकारी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। दरअसल झुंड में बकारी की इज्जत बढ़ती ही जा रही थी, जिससे वो मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ बकारी को सबक सिखाने आता है। मुखिया बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए बकारी बच्चे को एक जगह पर रखकर मुखिया से लड़ने लगता है, लेकिन बकारी मुखिया से जीत नहीं पाता है और इस दौरान बच्चे मरते मरते बचते हैं। दरअसल वो जिस जगह पे था उसके नीचे मगरमच्छ से भरी नदी थी और वो जिस टहनी पे था उससे उसका हाथ छूट जाता है, जिससे वो सीधा मगरमच्छ के मुंह में ही गिरने वाला था, लेकिन यहाँ एक तने की वजह से वो नदी में गिर जाने से बचता है। बकारी अब मुखिया के हमलों से परेशान हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे की जान भी खतरे में थी। इधर नदी के पास और भी बहुत सारे झुंड आ चुके थे, लेकिन शानी अभी भी नदी पार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। ये कुछ वाइल्डबीस्ट को नदी पार करते देखती है, जिनमें से एक का मगरमच्छ शिकार कर लेता है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। नदी के दूसरी तरफ काली भी इनके इंतजार में थी और जैसे ही वाइल्डबीस्ट यहाँ आए, काली ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि इस बार तो किसी तरह से सारे वाइल्डबीस्ट बच जाते हैं, लेकिन काली दोबारा हमला जरूर करेगी। नदी के दूसरे साइड काली को शिकार करता देखकर शानी आज के दिन तो नदी क्रॉस नहीं करेगी। इधर दूसरी तरफ उस मादा मगरमच्छ के अंडों में से उसके बच्चे निकलने लगे हैं और ये मादा मगरमच्छ इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद ये अपने जानलेवा जबड़ों में बड़े ही सावधानी के साथ अपने बच्चों को रख लेती है। उसके बाद ये इन सभी को नदी में ले जाती है। जान लेने वाली अब जान की रखवाली करेगी।
इधर सेरेंगेटी के दूसरे साइड जसारी शिकार पर निकला है और इसके हर हमले में इसके वफादार साथी हमेशा इसके साथ देते हैं। जल्द ही जसारी एक विल्डबीस्ट को अलग कर लेता है। इसके बाद ये पूरा झुंड मिलकर उसका काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ नदी के पास अब और झुंड इकट्ठा होने लगे थे और इसके साथ साथ अब ये माइग्रेशन अनस्टॉपेबल बन चुका था। शानी तो रुकी हुई थी लेकिन विल्डबीस्ट लगातार नदी पार कर रहे थे। इस दौरान नदी में कैओस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वहाँ पर ढेर सारे मगरमच्छ आ चुके थे, इसलिए बहुत से विल्डबीस्ट अपनी जान गंवा रहे थे। तो वहीं नदी के दूसरी तरफ काली अपनी कोशिश को जारी रखती है और आखिरकार उसे भी कामयाबी मिल ही जाती है। अब इतने समय के बाद इसका परिवार भी भरपेट खाना खाएगा। लेकिन शानी अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उसका बच्चा तो अभी छोटा है और वो इस भगदड़ का सामना कैसे करेगा। पर आगे शानी को अपने डर से बाहर निकलना ही होगा और इसे नदी पार करना ही होगा। सेरेंगेटी का तीसरा पार्ट तो खत्म हो चुका है लेकिन इसका चौथा पार्ट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उस एपिसोड में वो सब होगा जिसकी आप सभी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ परिवार बिल्कुल बिखर जाएंगे तो कुछ जुड़ जाएंगे और यहाँ इसी तरह के तमाम अनबिलीवेबल चीज़ें होने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या आप बिल एक्साइटेड है। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।